नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है, लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा की शाम आसमान से गंगा के तट पर देवलोक उतरेंगे। देव दीपावली पर इस बार काशी से सभी सनातनी एक जाति एक पंथ का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। दुनिया के 70 देशों के राजदूतों के सामने 84 घाटों पर होने वाले आयोजनों के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत का स्वरूप प्रदर्शित होगा। कार्तिक पूर्णिमा का आज आखिरी दिन है और आज के दिन पवित्र नदियों का स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही आज ही के दिन स्नान के साथ दान पुण्य करने का भी काफी विशेष महत्व है माना गया है। इसी क्रम में प्रयागराज के संगम तट पर और बलुआ घाट स्थित यमुना तट पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर दान पुण्य किया है। पावन दिन होता है कार्तिक का महीना। हम लोग रोज़ प्रतिदिन नहा के पूजा पाठ करना तुलसी जी को, फिर उसके बाद से फिर कार्तिक के दिन उनका शादी विवाह का प्रोग्राम करके अच्छे से उनको मतलब सजा के पूजा पाठ किया। फिर आज लास्ट है, आज उनकी विदाई करेंगे। हम लोग यहाँ नहाने आए हैं, नहा पे फिर घर पे जाएंगे, फिर वहाँ पर जाकर उनको पूरी हलवा वगैरह मीठा फल फ्रूट से उनकी विदाई करेंगे अच्छे से खोचा ओछा दे करके। बस मैं इतनी। क्या नाम है? हिमलता सिंह। जी माता जी, हम लोग एक महीने का स्नान करती हैं आज। जी हम लोग एक महीने का, हाँ आज लास्ट है। पूर्णिमा के दिन ही जो मतलब बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग आज करते हैं मतलब पूजा, जितने लोग स्नान मतलब आज लास्ट है उनका, जो भी पूजा करना होता है आज विदाई होगी उनकी। घर पे हम लोग करते हैं तुलसी माँ का बहुत सारा प्रोग्राम करते हैं, घर पे दान देते हैं। पंडित जी हम लोग के घर पे आते हैं तो उनको हम लोग दान दक्षिणा देते हैं, पूजा करा के आज समापन होगा उनका। धन्यवाद। एक महीने उनकी पूजा होती है मतलब नहाने वाले नहाने थे, मतलब हम लोग घर पे ही करते हैं, मतलब हम लोग 5-7 ऐसे नहाते हैं आ करके, और घर पे ही तुलसी माँ का पूजा कर रोज करते हैं। सुबह शाम को दिया जलाते हैं देसी घी का और पूजा आरती यही सब करते हैं। हाँ, क्या नाम है? गीता जायसवाल। ये जो कार्तिक माह है, ये जो कार्तिक माह है हमारे यहाँ पे यमुना तट पे स्नान का बहुत ही बड़ा मेला लगता है और एक महीना इसमें स्नान बंधन चलता है और इसमें हमारे कई देवी देवताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके वजह से ये कार्तिक माह यमुना जी के तट पे मनाया जाता है। आज के दिन कार्तिक भर जो यहाँ स्नान किया है माँ के तट पे, पूर्णिमा के दिन स्नान करके अपने पूरे महीने का फल का दान पुण्य करके घाट को पूजन करके यहाँ पे समाप्त करता है। रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान और मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बताया जा रहा है कि जिले के गेगासू और डलमऊ गंगा घाट पर लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, जहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह, जिला अधिकारी हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी देर शाम डलमऊ गंगा घाट पर पहुंचे, जहां पर गंगा आरती कर कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले का शुभारंभ किया। साथ ही शासन के निर्देश पर गंगा घाटों पर जगह जगह पुलिसकर्मी और गोताखोर तैनात किए गए हैं, जिससे गंगा स्नान के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे। हिंदू संस्कृति में सबसे पहले गीता, गायत्री और गंगा का संबंध जुड़ा हुआ, और जहाँ तक गंगा का संबंध है वो सतयुग से लेकर के द्वापर तक लगातार हर ऋषि महर्षियों की एक थाती रही है और उपासना के केंद्र रहा है। आ,
देखिए आज इससे पहले हम सभी लोगों ने यहाँ पर गंगा जी की आरती जो है उसमें भी प्रतिभाग किया था और इसको सफल रूप से हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया है। डलमऊ का जो मेला स्थल है वहाँ पर हम लोग खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही भव्य साज सज्जा और पूरे अनुशासन के साथ यहाँ पर प्राइवेट माध्यम से भी और सरकारी जो भी स्टॉल हैं उनको भी लगाया गया है, लाभार्थियों की ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुविधाएँ उपलब्ध करा सकें ऐसा प्रयास प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा किया गया है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दूंगी और अपील करूंगी कि शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके साथ सहयोग करते हुए इसको उत्साह से लुत्फ उठाएं। सुल्तानपुर में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। शहर के जिला एवं सत्र न्यायालय की मीटिंग हॉल में जनपद न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे ने अपने अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलेंटियर्स को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि भारत के संविधान दिवस के अवसर पर जनपद न्यायालय के मीटिंग हॉल में संविधान की शपथ दिलाई गई। सभा कक्ष में मौजूद दीवानी के जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण कर्मचारीगण के अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े दर्जनों पैरालीगल वॉलेंटियर की मौजूदगी में जिला जज जयप्रकाश पांडे ने भारतीय संविधान की शपथ दिलाई है। आज भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर जनपद न्यायालय सुल्तानपुर में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय सुल्तानपुर के समस्त न्यायिक अधिकारी और कर्मचारीगण द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। इसके साथ ही माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रस्तावना में दिए गए संवैधानिक मूल्यों के महत्व पर भी बल दिया गया और उनके अनुपालन हेतु सभी कर्मचारियों व न्यायिक अधिकारियों को संबोधित किया गया। रायबरेली के थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में एक युवक मित्र मिला। बता दें कि युवक के चेहरे पर चोट के निशान थे, जहां स्थानीय लोग युवक की हत्या कर शव को बाग में फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और युवक की उम्र 40 से 45 साल के बीच की बताई गई है। वही एसओ बबीता पटेल ने बताया कि युवक की पहचान के लिए आसपास के लोगों से मदद ली जा रही है। युवक की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो पाएगी। थाना क्षेत्र जगतपुर अंतर्गत ग्राम सभा गौरा उबरनी के प्रधान द्वारा सूचना दी गई कि एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 45 वर्ष का शव गांव के किनारे पेड़ के नीचे पड़ा है। सूचना पर तत्काल स्थानीय थाना पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया और सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु मर्ची हाउस करवा दिया गया है। शव के शिनाख्त हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रयास किए जा रहे हैं। विधिक कार्रवाई प्रचलित है, मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। यूपी के कौशाम्बी में कोकराज पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब से भरी एक डीसीएम गाड़ी पकड़ी है और डीसीएम से करीब 450 पेटी पंजाब की अवैध शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस ने शराब जब्त कर उसकी छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अवैध अंग्रेजी शराब की खेप पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी और कोकराज पुलिस ने नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान सफलता हासिल की है। वहीं एसएसपी समर बहादुर ने बताया कि कोकराज पुलिस और जीएसटी टीम ने आज हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक डीसीएम गाड़ी पकड़ी है और डीसीएम गाड़ी से 450 पेटी पंजाब की अवैध शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल शराब जब्त कर तस्करों की छानबीन की जा रही है। थाना कोखराज क्षेत्र में आज जीएसटी और पुलिस की टीम चेकिंग कर रही थी, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है। उसके ट्रक से लगभग 450 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख के आसपास है। बाकी सारी अभी पेटियां गिनवाई जा रही हैं, सब कुछ निकाला जा रहा है, जो पूरे तथ्य आपको अलग से बता देंगे। कहाँ से शराब कहाँ जा रही है? अभी तक जो गाड़ी नंबर मिला है वो पंजाब की शराब है, बिहार जा रही थी ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं गया है। अब गाड़ी नंबर से और तलाशी और जो विवेचना से तथ्य आएंगे उस पर अलग से।
फिरोजाबाद में फरिया क्षेत्र से भ्रमण कर लौट रहे तहसीलदार ने 12 क्विंटल 50 किलो का सरकारी राशन को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि तहसीलदार फरिया क्षेत्र से भ्रमण कर लौट रहे थे, तभी एक पिकअप तेज रफ्तार से गुजरी जिसका तहसीलदार ने पीछा किया और उसे पकड़कर थाना फरिया पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। वहीं तहसीलदार लालता प्रसाद ने बताया कि ये सरकारी राशन है, SDO सप्लाई इंस्पेक्टर सभी आकर जांच करेंगे और आगे की विभागीय कार्यवाही अवश्य की जाएगी। ये मैं क्षेत्र भ्रमण कर करके मैं तहसील जसराना की तरफ जा रहा था, नगला भादो पर मैं संदिग्ध लगी, मैं रुकवाया जी, तो ये भागने लगा, उसको रुकवा करके मैंने उसको देखा तो उसमें सरकारी खाद्यान्न लदा हुआ था। उस सरकारी का उस गाड़ी को मैक्स सहित ड्राइवर सहित पकड़ करके ला करके थाना फरिया में ये सबको सुपुर्दगी में दे दिया हूँ और सप्लाई इंस्पेक्टर को सूचित कर दिया गया है कि वो कल आकर के इसका जांच करके अपना रिपोर्ट करेंगे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।